नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पंचकुला में आयोजित परिवार पहचान पत्र वितरण समारोह में परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 20 परिवारों के मुखियाओं को पहचान पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 माह में सभी विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में 3 पेंशन योजनाएं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग जन पेंशन योजना और विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। पंचकुला के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े राज्य के शेष 21 जिलों में भी सांसदों, विधायकों और अन्य प्रमुख हस्तियों द्वारा लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं के एकीकरण करने के अभियान के तहत उन सभी परिवारों के राशन कार्ड तैयार किए जाएंगे जिनके पास वर्तमान में कोई राशन कार्ड नहीं है। कोविड-19 संकट के दौरान डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से 4.87 लाख से अधिक परिवारों को राशन वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड के बारे में बात की है, जिससे कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ध्यान भी ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए, सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीज़ें आगे पीछे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेट सी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार, उसकी में इतनी है कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके कि हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। ICICI डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसका आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार को से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम टाइम में डाटा बना करके 10 साल में बहुत परिवर्तन हो जाता है। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है, शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी। और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता। इस सारे में उस टाइम में डाटा प्रकार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी और पिछले साल जुलाई 2019 में यही इसी स्थान पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक वाक्य से इस बात को मैंने उल्लेखित किया था, उसकी शुरुआत की थी, मेरा परिवार मेरी पहचान। उसमें से कल्पना सारी बताई गई थी, डिपार्टमेंट भी उसके बाद एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद उसका एक प्रारूप हमने सिरसी में जैसा बताया 26 जनवरी पिछले इसी साल 2020 में एक अन्य कार्यक्रम कार्यक्रम था, उसी के साथ मुख्यमंत्री परिवार से वृद्धि हो गया। इसकी घोषणा की थी कि हर वो परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक या इससे कम है और 5 एकड़ जमीन से कम है,
ऐसे सब परिवारों को हम 6 लाख रुपया प्रतिवर्ष उनको सहायता पहुंचाएंगे। उनकी योजनाओं की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ जनता नहीं उठा पाती, उसमें प्रीमियम आदि देने होंगे, उसके लिए बाकी बचा पैसा उसके अकाउंट में डाला जाएगा। उस समय हमको पता नहीं था कि कोविड आएगा और कोरोना से पीड़ित लोग प्रभावित होकर के अपने काम काज को भी खो बैठेंगे, उस समय का भोजन भी शायद दुर्लभ हो जाएगा। हमने उस योजना को शुरू तो एक सामान्य परिवारों के लिए किया था, लेकिन उसका लाभ हमको कोविड के पीरियड के अंदर मिला, केवल उसी एक स्कीम में लगभग 6.5 लाख लोगों को पैसा मिला। और बाकी जो सारी योजनाएं बनाई उसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अलग अलग डाटा अलग अलग जगह था, चाहे वो जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स की बात बताई, उनके वर्कर्स की बात बताई, ऐसा BPL के लोग जो उन दोनों श्रेणियों में नहीं थे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इन सबको मिलाकर के 16.5 लाख लोगों को